जी, क्लास की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, तो स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गबन उपन्यास पर, तो उस पर आगे बढ़ते हैं। उस उपन्यास के जो हल्की फुल्की आप लोगों के मानस में एक मैं रूपरेखा रख दूं, उसके उपरांत फिर हम लोग चर्चा करते हैं प्रश्नों पे। तो जैसा गबन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं एक रूपरेखा देता हूँ कि गबन में प्रेमचंद मध्यवर्गीय मध्यवित्त या मध्य वर्ग के यथार्थ जीवन और मनोवृत्तियों का चित्रण किया है। जो मध्य वर्ग है उसके यथार्थ यथार्थ और आदर्श के बीच में आप किसी में किन्हीं को दुविधा नहीं होगी, अगर होगी तो इस कक्षा को उपरांत पूछेगा कि यथार्थ क्या होता है और आदर्श क्या होता है। जैसा एक मेरा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आदर्श और यथार्थ को लेकर के, जो मैं हमेशा सभी विद्यार्थियों को देता हूँ, तो वही मैं वापस से दोहराऊंगा कि यथार्थ यानी कि जो है, मतलब वो फिक्स्ड है, वो स्टेबल है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो यथार्थ है। आदर्श जो होना चाहिए, होगा, ये हो, ये होना चाहिए, ये होता आदर्श। जैसे मैं कहता हूं कि जो राम है वो आदर्श है, उनका चरित्र जो है वो आदर्शपूर्ण चरित्र है। जो घर में माताएं अपने बच्चों से, या कोई भी ये कहता है कि राम सा बनो, राम सा चरित्र बनो, या गांधी जी, गांधी जी जो राष्ट्रपिता है, उनके जैसा बनो, उनके जैसा चरित्र, तो वो एक आदर्श हो गए। यथार्थ क्या है? जो है, हर कोई चाहता है कि आपकी माता अपने पुत्र से, अपने पुत्री से चाहती है कि तुम राम जैसा बनो, तो राम जैसा बनो, वो एक आदर्श हो गया। यथार्थ क्या है? जो है, अगर मैं उदाहरण दूं, साधारण एग्जाम्पल, रावण जो है, उसकी माँ कभी तो उसे नहीं चाहती हुआ राक्षस बने, बहुत राक्षस बने, रावण बने, उसकी माँ भी चाहती होगी कि बेटा तू राम जैसा बन, तो राम आदर्श हो गया। पर रावण जो है वो राक्षस था, राक्षस बना रहा, राक्षस के तौर पे मरा, तो वो जो वो यथार्थ है। तो यही चीज है यथार्थ और आदर्श के बीच। तो जब हम गबन की बात करते हैं, तो गबन जो है वो प्रेमचंद ने एक मध्य वर्गीय, मतलब उसकी पूरी की पूरी कथा वस्तु जो है एक मध्य वर्ग के परिवार की रही है। उस मध्य वर्गीय परिवार के यथार्थ जीवन और मनोवृत्तियों, यथार्थ जीवन मतलब एक परिवार है, मध्य वर्गीय परिवार है, उसके आदर्श पर, तो उसके यथार्थ जीवन पर और उसके मनोवृत्तियों का चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। तो प्रेमचंद ने पहली बार गबन में इस वर्ग की समस्याओं को विस्तार प्रस्तुत किया। प्रेमचंद की खासियत, उनकी लेखनी की खासियत है, वो अपने हर उपन्यास में किन्हीं न किन्हीं एक वर्ग को, किन्हीं न किन्हीं समाज के किसी न किसी एक वर्ग को वो अपने उपन्यास के कथा वस्तु, अपने उपन्यास की पृष्ठभूमि में, अपने उपन्यास के नायक नायिका के तौर पर, अपने उपन्यास के, अगर हम लोग कहें, पटकथा के तौर पर वो लेकर के आते हैं। जैसे आप लोग उन्हें कोई भी उपन्यास, उपन्यास का प्रेमचंद कोई भी लेखनी उठा कर देख लीजिए, आपको उस समय का कोई ना कोई एक समाज उसमें जरूर देखने को मिलेगा। उस उपन्यास से आपको समाज के किसी न किसी एक वर्ग पे एक बहुत ही करारा प्रहार उनके उपन्यास से देखने को मिलती है। तो ये चीज यहाँ भी देखने को मिलती है, यहाँ मध्य वर्गीय परिवार, जैसे उदाहरण के तौर पर गुदान कृषक जीवन आपको देखने को मिलता है, यहाँ मध्य वर्गीय परिवार देखने को, प्रेमाश्रम में नारी के जीवन को देखने को मिलता है कि पुरुष में नारी की स्थिति कैसी है, पुरुष समाज में, पुरुष प्रधान समाज में, वो देखने को मिलता है। कोई भी कर्म भूमि में आप देखने को मिलता है कि गरीब का शोषण किस तरह से हुआ है, रंग भूमि में आपको वही चीज देखने को मिलती है कि समाज में अंग्रेजी शासन के दौर में क्या कुछ होता था, वो देखने को मिलता है। तो ऐसे कोई उपन्यास नहीं है प्रेमचंद के जिसमें किसी न किसी समाज को न रखा गया हो, कुछ ना कुछ समाज के लिए कुछ ना कुछ ना निकल के आता हो। तो अगर हम लोग गबन की बात करें, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। इस वर्ग की समस्या को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया, इस वर्ग यानी कि मध्य वर्ग के परिवार को विस्तार पूर्वक किया है। इस वर्ग की वास्तविकता आय कम है। जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत में मध्य वर्गीय समाज की आय कुछ बहुत बड़ी नहीं रहती। मध्य वर्गीय समाज में आप, हम सभी एक मध्य वर्गीय समाज में आते हैं। अगर हम तुलना करें, हमारी आय आपकी आय लगभग एक बराबर है। कोई यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, किसी के पास कोई एंटीला नहीं है, एंटीला में रहने वाला है, तो उन्होंने एक जो मध्य वर्गीय समाज, क्योंकि अगर आप देखें प्रेमचंद ने जब ये उपन्यास प्रकाशित किया 1931 का समाज, 1931 का समाज जो था एक मध्य वर्गीय समाज था। उस दौर में भारत की 80 से 90% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, ग्राम गांव में रहती थी। आज के दौर में जैसे आधुनिकीकरण आया, आधुनिकता आई, धीरे धीरे लोग शहर की ओर आकर्षित हुए, शहर में जाना आरंभ कर दिया। पर वो जो एक दौर था जब ये उपन्यास लिखे गए 1931 के लगभग, हाँ 1931 में उपन्यास प्रकाशित हो गया थी, उससे पहले का दौर, धीरे धीरे एक तो समाज में चल रहा है अंग्रेजों की शासन व्यवस्था, हम सब गुलाम, ऊपर से समाज में चल रहा है शोषण, हर वर्ग में रहा है शोषण में। शोषण में एक सबसे, मतलब एक बहुत बड़ी विडंबना है, हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं
पर उपन्यास पढ़ने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी उपन्यास जब आप पढ़े ना उस समय की, अगर ये 1931 में उपन्यास प्रकाशित हुई हो, आप लोग कोशिश करें, कोशिश की आप लोग के जो SLM है, SLM बहुत बेहतरीन है, इसमें दिया रहता है उस समय की इतिहास, उस समय का इतिहास का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई भी आप किसी समय की साहित्य को उठा करके देख ले। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, शायद आप लोग अगर कभी पढ़ते उठते हो, अगर हिंदी साहित्य में जैसा खुशवंत सिंह एक है, ये किताब मेरे पास है, ये है सिखों का इतिहास, खुशवंत सिंह की किताब, मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, इसका इससे कोई संदर्भ नहीं है, इसलिए उससे मत जोड़ लीजिएगा कि सर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो जब आप किसी भी उपन्यास को उठाते हैं, किसी भी लेखक की लेखनी को, कोई उपन्यास छोड़िए, किसी भी लेखनी को उठाते हैं ना, वो लेखनी जब प्रकाशित हो उस समय और जब से वो लिखी जा रही है उस समय, ये दोनों समय को बहुत याद रखिएगा और उस दौर का आप इतिहास पढ़िएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको दोबारा कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इतिहास जान जाएंगे ना, वो एक आपके मानस पे बहुत अच्छी स्पष्ट छवि छोड़ जाती है, आपको समझ में आ जाएगा कि इस दौर में क्यों ये इस गबन की जरूरत क्यों पड़ी, उस दौर में कोई भी उपन्यास, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास की जरूरत क्यों पड़ी, उस दौर में किसी भी नाटक, स्कंदगुप्त क्यों लिखा गया, आधे अधूरे नाटक क्यों लिखा गया, ठकुरी बाबा क्यों लिखा गया उस दौर में। तो ये जो ऐसे ही कोई नहीं आ जाता है कि मुझे एक लिखना है, मैंने कैसे पेन निकाला, एक पेज पकड़ा, ऐसे से बैठ में लिखना शुरू कर दिया। हर किसी के मनस्थिति पे कुछ ना कुछ एक घटना होती है जो पड़ती है। तो गबन के साथ भी ये था, 1931 के दौर में समाज में बहुत कुछ चल रहा था, एक तो अंधविश्वास जो उस दौर में सबसे ज्यादा चल रहा था, उस दौर की कितनी उपन्यास आप उठा के देख लीजिए, अंधविश्वास सब जगह आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज अंग्रेजों का शासन व्यवस्था, तीसरी चीज स्वाधीनता के लिए लड़ाई, चौथी चीज पुरुषवादी समाज में महिलाओं का स्थान, पांचवी चीज जाति वर्ण व्यवस्था, छठवीं चीज शोषण, हर ताकतवर अपने से कमजोर का शोषण करता रहा है। ये यहाँ पे इसका संदर्भ मत जुड़ेगा जातिगत प्रथा से, नहीं, यहाँ पे जातिगत प्रथा के अलावा भी हर ताकतवर जो समाज में थोड़ा सा बेहतर होता था, वो अपने नीचे वर्ग को या अपने सेम वर्ग को ही, जो उससे पूंजी में कमजोर होता था, जो उससे ताकत में कमजोर होता था, उसे दबा करके रखने का प्रयास करता था, चाहे वो किसी वर्ण, किसी व्यवस्था, किसी जाति में हो, हर जाति में ये चीज चलती थी और उस समय से लेकर आज भी समाज में ये चीज देखने को मिलती है। तो इन्हीं सब की रूपरेखा को, इन्हीं सबको मतलब बांध के एक लिखने का प्रयास किया गया है गबन उपन्यास के द्वारा। जैसा बात करें, इस वर्ग की वास्तविक आय कम है, पर अपनी झूठी शान रखने के लिए इस वर्ग के लोग अपनी हैसियत से बहुत अधिक खर्च करते हैं। ये चीज सही है, आज भी समाज में आपके इर्द गिर्द, मैं समाज की बात करूँ, आज के समय में, आज 23 जून 2020 को भी अगर आप अपने मध्यवर्गीय समाज में रहते हैं, अपने आसपास नजर घुमा के देखें, आपके मनस्थिति में बहुत सारे चित्रण अभी भी आ जाएंगे। अब मैंने जो ये लाइन नहीं कहा कि इस वर्ग की वास्तविक आय कम है, पर अपनी झूठी शान रखने के लिए इस वर्ग के लोग अपनी हैसियत से बहुत अधिक खर्च करते हैं, ये लाइन अपने दिमाग में डालिए, आपको 2 या 3 चेहरे आपको श्योर दिख जाएंगे, क्योंकि ये आज भी समाज में, अपने आसपास में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे समाज हैं जिनकी आय अधिक नहीं है, पर एक दिखावा, जो कहते हैं ना, दिखावा बहुत है कि हम, हमारे पास तो ये, हम ये कर देते, ये कर देते, तो वो समय भी, आज नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई मिरेकल हुआ, आज के दौर में घुस के आ गया किसी लोगों के अंदर, जिनके माध्यम से आ गया, दिख गया, नहीं, तो उस दौर में भी लिखा जाता है, ये सामाजिकता है, जो समाज में वो चीज जो तब थी आज भी है, तो धीरे 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 आगे बढ़ती जा रही है। तो यही चीज है, इस वर्ग की वास्तविक आय कम है, पर अपनी झूठी शान के लिए इस वर्ग के लोग अपनी हैसियत से बहुत अधिक खर्च करते हैं, और आय तथा व्यय, आय मतलब जो आमदनी है, व्यय मतलब जिसे खर्च किया जाता है, आय तथा व्यय के असंतुलन को बेईमानी, रिश्वत, झूठ, हेरा फेरी आदि उपायों से पूरा करना चाहते हैं। मुंशी दीनदयाल इस उपन्यास के जो सबसे शुरुआत, अब जब खोले उस उपन्यास को पढ़े, सबसे पहले मुंशी दीनदयाल आपको देखेंगे, जो अपनी लड़की, जिनकी जो एक बेटी थी जालपा, जो इस उपन्यास की नायिका है, जिस उपन्यास की नायिका है जालपा, उसके पिता है मुंशी दीनदयाल, मुंशी दीनदयाल अपनी लड़की जालपा की शादी महाशय दयानाथ के पुत्र रमानाथ, रमानाथ इस उपन्यास का नायक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो लिख लिया, जिन्होंने पढ़ा हो अगर कहीं उनके मानस से ये चीज निकल गई हो तो वो भी इस चीज को लिख करके रख सकते हैं कि उपन्यास है, उपन्यास के नायक जो है, नायक कौन है, इस उपन्यास का नायक है रमानाथ और इस उपन्यास की नायिका है जालपा, रमानाथ के पिता का नाम है दयानाथ और जालपा के पिता का नाम है मुंशी दीनदयाल। ये सब चीजें आप लोग याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप व्याख्यात्मक प्रश्न लिखते हैं तो ये सब चरित्र वगैरह सब आपके आते हैं, कौन कौन से पात्र हैं, तो इसलिए इसे अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं।
दयानाथ के पुत्र रमानाथ से करते हैं, अपनी पुत्री दीन दयाल, अपनी पुत्री जलपा का विवाह दयानाथ के पुत्र रमानाथ से करते हैं। दीन दयाल दिल खोल कर खर्च करते हैं, क्योंकि उसका वेतन चाहे केवल 5 रुपए था, पर ऊपर की आमदनी का कोई हिसाब नहीं था। जो आज भी समाज में बहुत सारे वर्ग हैं जिनकी आमदनी के अलावा ऊपरी कमाई बहुत अधिक रहती है, तो वही दिखाने का प्रयास किया गया, ऊपर की आमदनी का कोई हिसाब नहीं था। दूसरी ओर रमानाथ सुंदर सजीला जवान है, उसके पिता महाशय दयानाथ बड़े ईमानदार आदमी हैं। एक तरह देखिए जालपा के जो पिता है वो अपनी पुत्री के विवाह में खूब खर्च करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आमदनी तो 5 रुपए है, तो उनकी ऊपरी कमाई बहुत अधिक है। मतलब आप समझ लीजिए दो पात्रों की तुलना यहाँ शुरुआत में ही हो जा रही है। दो पात्र कौन है? एक है जालपा के पिता मुंशी दीनदयाल और एक महाशय दयानाथ जिनके पुत्र हैं रमानाथ। तो दयानाथ क्या है, वो बहुत ईमानदार आदमी है। और वही जालपा के जो पिता की जब हम बात करते हैं, जालपा के पिता की जब मुंशी दीनदयाल की बात करते हैं, तो उनकी ऊपरी आय बहुत है, इसलिए अपने पुत्री के विवाह में बहुत खर्च करते हैं। तो दयानाथ बड़े ईमानदार आदमी है, उन्होंने कभी एक पैसा भी रिश्वत नहीं लिया। एक व्यक्ति है जो कभी एक पैसा रिश्वत नहीं लिया, उसका समरी जो है जो ऊपरी कमाई से ही उसका सब कुछ चल रहा है। तो मुंशी दीनदयाल अपनी लड़की जालपा की विवाह करते हैं, वो उसके पिता जो दयानाथ है जयनाथ के पुत्र रामानाथ से ब्याह करते हैं। दयानाथ जो बहुत ईमानदार आदमी है, उन्होंने कभी एक पैसा रिश्वत का नहीं लिया है, वह ऐसी पाप की कमाई से घृणा करते हैं, पर लड़का नई रोशनी का फैशनेबल युवक है। नई रोशनी का संदर्भ में समाज का आधुनिक लड़का, जो आधुनिकरण आज हम कहते हैं ना, तो आधुनिकरण ऐसा नहीं कि 2020 के बाद या 1990 के बाद ही, हर वर्ग हर समाज में जैसे धीरे धीरे परिवर्तन होता था समय, उसे आधुनिक युग कहा जाता है। इसलिए जब आप हिंदी साहित्य को उठा करके देखते हैं तो आधुनिक युग का आपको बहुत पहले से 1800 या आपको आधुनिक युग 2000 के बाद के नहीं दिखता है, आपको आधुनिक युग बहुत पहले ही देखने को मिल जाता है। तो यहीं पे लेखक का कहना है कि उनके पिता जो है जो रामानाथ के पिता दयानाथ, वो तो रिश्वत का एक पैसा भी नहीं लेते हैं, वो पाप की कमाई को यानी कि रिश्वत को घृणा करते हैं, पर लड़का नई रोशनी का फैशनेबल युवक है, वह अभी बेकार है। बेकार का मतलब बेरोजगार है, पर यार दोस्तों में बैठने उठने के कारण उसकी खाने उड़ाने की इच्छा प्रबल हो चुकी है, वो शादी में खूब खर्च करा देता है। दयानाथ भी उसकी तथा अपनी पत्नी की बातों में आकर हैसियत से बहुत अधिक रुपए खर्च कर देते हैं, सराफे से। सराफे का मतलब आप लोगों को पता होगा, जो ज्वेलर्स वगैरह रहते हैं, ज्वेलरी दुकान, सोने का गहने का काम करते हैं, उसे सराफा कहते हैं। उस बाजार को सराफा बाजार भी कहते हैं। तो जो लोग उधर कटक के रहने वाले हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ का सराफा बाजार बहुत बड़ा है, सराफा बाजार है कटक का। तो सराफे से उधार गहन कर आते हैं अपनी शादी में खर्च करने के लिए, रामानाथ की शादी में खर्च करने के लिए दयानाथ जो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, वो सराफे से यानी कि सराफे के यहाँ से बहुत कुछ उधार ले लेता है, अपने पुत्र अपनी पत्नी के दबाव में आकर के खर्च करने के ऊपर, अपने औकात अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा बढ़ करके पैसे खर्च कर देता है। वो पैसे कहाँ से आए, कि वो सराफे के यहाँ से उधार लेकर के आते हैं, गहने उधार लेकर के आते हैं, दिखाने के लिए और भी कई तरह के खर्च खूब बढ़ चढ़ कर किया जाता है, यही खर्च उनके लिए समस्या बन जाता है। जैसा मैंने पहले कहा, जैसे पहले लाइन जैसे मैंने आप लोगों के समक्ष रखा ना, कि गवर्नमेंट पेंशन ने मध्य वर्गीय के यथार्थ और मनोवृत्तियों को दर्शाया है, कि यह वो वर्ग है जिसकी वास्तविक आय कम है, पर अपनी झूठी शान को दिखाने में, अपनी झूठी शान को परोसने में, किसी के समक्ष परोसने में कोई हर्ज नहीं करता। तो यही चीज यहाँ पे देखने को मिलता है कि दयानाथ अपनी पत्नी अपने पुत्र के दबाव में, अपने पुत्र के विवाह में वो अपने हैसियत से अधिक खर्च कर देता है, सराफे के यहाँ से गहने उधार लाता है। इसके अलावा भी जो बहुत सारी चीजें जो शादी विवाह में होती है उसमें बहुत सारे खर्च कर जाते हैं। रमानाथ अपनी पत्नी जलपा के घर की स्थिति छुपा कर रखता है, मतलब दिखावे की प्रवृत्ति देखिए, एक तो उसके विवाह में इतने खर्च हो गए पर उसके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति नहीं गई। तो वही चीज है कि रवाना था अपनी पत्नी जलपा से घर की स्थिति छिपा कर रखता है, वह उल्टा बहुत जीत उड़ाता है। जीत का मतलब हो गया कि वो अपनी स्थिति से छुपा कर रखता है जलपा से, पर उल्टा वो बहुत पैसे उड़ाता है, वो दिखाता है। जीत का मतलब होता है कि दिखावा, बहुत दिखावा करता है, बहुत धन है, जायदाद है, बैंकों में रुपया पड़ा हुआ है। वो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए उसके फरमाइशों पूरा करना चाहता है, सराफे के तकाजे होने से अपनी पत्नी के जेवर चुराने पड़ते हैं,
क्योंकि जब आप कहीं से पैसे लेकर के आते हैं, आपको चुकाना तो पड़ता है, तो अपने विवाह के समय में अपने पिता के ऊपर दबाव तो बहुत डालता है कि हमें अब मेरे विवाह है, खर्च कीजिए। उसकी माता भी अपने पति पर दबाव बनाती है, तो दोनों माँ बेटे अपने एक अपने पति पे, एक अपने पिता पे दबाव बना के कौन से कर्ज को ले आता है, सराफे से ज्वेलरी वगैरह ले आता है, और उसको चुकाना भी तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सराफे का दुकान खुला पड़ा है, आप आए फ्री में कुछ भी उठा करके चल जाए। उसके आप जात, और हम जिस समाज में रहते हैं, जिस मध्यवर्गीय, हम लोग जानते हैं कि सराफे का या ये ज्वेलरी का कितना महत्व है आज के समय में, कितना उसका स्थान है, कितने महंगे हैं। तो उस दौर में जब एक उसका पिता की कोई आम ऊपरी कमाई भी नहीं थी, रामानाथ के जो पिता थे दयानाथ, तो दयानाथ की कोई ऊपरी कमाई नहीं थी, वह ईमानदार व्यक्ति था, उसके जो कुछ भी इनकम होता था, जो सैलरी आती थी, उससे वो घर चलाता था। लेकिन पुत्र और पत्नी के दबाव में आकर के उधार ले आता है, गहने उधार लाता है, पैसे उधार लाता है, तो उसे खर्च करता है अपने औकात से बढ़कर, तो उसे वापिस तो चुकाना पड़ेगा ना। तो जब सराफे का तकाजा, तकाजा का मतलब जो होता है, जब उसे चुकाने के लिए कहा जाता है, या आपके घर पे जब कोई, तकादे का मतलब होता है आपने किसी से कुछ उधार लिया, वो उसके अपने उधार लौटाने कहने या उसका इंटरेस्ट देने आपके घर तक पहुंचता है, उसे कहा जाता है तकादे, तकाजे। तो तकाजे करने जब आते थे तो अपनी कोई कारण उसे अपनी पत्नी की जेवर चुरानी पड़े। आप लोग जब इस उपन्यास को और बारीकी से पढ़ेंगे तो यह पूरा का पूरा उपन्यास एक हार के ऊपर केंद्रित है, कि एक स्त्री की एक हार के प्रति, या कहे अलंकार के प्रति, स्त्री के अलंकार या जेवर के प्रति उसकी इच्छा कितनी प्रबल हो जाती है, और उसके ऊपर इस पूरे के पूरे उपन्यास की कथा वस्तु पृष्ठभूमि उसके ऊपर केंद्रित होकर के रहती है। तो जब तकाजे के लिए आता है तो उसे अपनी पत्नी का जेवर चुराने पड़ते हैं, स्वयं जेवर चुकाकर बाप बेटा, स्वयं जेवर चुकाकर बाप बेटा उराते यह है कि जेवर चोर चुरा ले गया, मतलब जलपा के हार को चुरा करके, और जो सराफा होता है उसको पैसे चुकाते हैं, और दोनों पिता पुत्र, पिता ने तो दबाव में आकर के अपने पुत्र के दबाव में आकर के पुत्र के दबाव में आकर के अपनी पत्नी के दबाव में आकर के उधार तो ले आते हैं, पर उससे उधार चुकाना भी तो है, और घर में नई नवीली बहू है, उसके सामने ये बात जाएगी कि उसका उन्होंने तो पहले उड़ा दिया कि बहुत पैसा है, बहुत धन है, बैंकों में बहुत पैसा उड़ा पड़ा है, लेकिन वास्तविक स्थिति को उसकी पुत्रवधु, उसके कुलवधु को जब यह ज्ञात होगा तो उनकी इमेज थोड़ी सी खराब होगी ना, छवि खराब होगी, तो जानते ही है तो उसको करना क्या है। तो उन्होंने उसके गहने चुराते हैं, जो गहने उसे अपने मायके से मिले होते हैं, कुछ गहने उन लोग सराफे के यहाँ से विवाह के उपरांत उसे दिया जाता है, उसे चुराते हैं, उसे बेच दिया जाता है, और उससे ही सराफे का जो तकाजे हैं, उसके इंटरेस्ट हैं, जो पैसे हैं, उसे चुकाया जाता है, बाद में यह उड़ा दिया जाता है आपका, यार उसका गहना तो चोरी हो गया। तो गहना चोरी हो गया, ये बात उस समय उड़ा दी गई, परंतु इस वर्ग के कृत्रिम जीवन की बहुत सुंदर झांकी है प्रेमचंद ने प्रस्तुत की, इस वर्ग यानी कि मध्यवर्गीय परिवार की। इस उपन्यास की मुख्य समस्या, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, नारी का आभूषण प्रेम है, जैसा ही कुछ आलोचक कहा करते हैं, आभूषण प्रेम तो गौण बात है, मतलब इस उपन्यास के संदर्भ में बहुत सारे आलोचकों, बहुत सारे उपन्यासकारों, बहुत सारे बुद्धिजीवियों, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कहा है कि आभूषण प्रेम तो गौण बात है, मतलब इस उपन्यास में आभूषण प्रेम जो एक हम लोग कहते हैं नारी का आभूषण के प्रति जो लगाव है, इस उपन्यास की मेन पृष्ठभूमि है, तो कईयों का मानना है कि यह गौण है, गौण इन द सेंस ये बहुत छोटी है, मतलब इस उपन्यास का मूल नहीं है, ये तो गौण में बात है। जलपा के मन में चंद्रहार की लालसा बचपन से थी, और इसमें संदेह नहीं कि उसके जेवर चले जाने पर वह निर्जीव सी उदास रहने लगी थी, और जब रामानाथ फिर सराफे से उसके लिए कंगन और हार उधार लाता है, तभी वो प्रसन्न होती है। मतलब चंद्रहार जो है, जो उसे बचपन से उसके मन में लालसा होती है कि चंद्रहार, अगर आप लोगों ने किन्हीं में पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा, जो शुरुआती जब इस उपन्यास को आप पढ़े तो जालपा जो है वो जो एक झूले पे घूमती रहती है, बादल सा रहता है, बारिश का महीना रहता है, और उसके पिता उसकी माता के लिए एक चंद्रहार लेकर के आते हैं, और उसके वो चंद्रहार को देख करके तो बहुत खुश होती है, तो अपनी माँ को पूछती है कि चंद्रहार मुझे भी चाहिए, पहनना है। उसकी माँ कहती नहीं, चंद्रहार तुम्हें विवाह के उपरांत मिलेगा। तो बोलते विवाह के उपरांत कैसे मिलेगा, तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा पति लेकर के आएगा। तो एक बचपन से एक होता है ना, कई सारी चीजों के लिए बचपन में हम लोग मन में उम्मीद रहती है, एक आश रहती है कि ये चीज वो चीज, तो उसके मन में उम्मीद थी चंद्रहार के पति, अच्छा चंद्रहार मेरा, जब मेरी विवाह होगा मेरा पति मेरे चंद्रहार लेकर के आएगा।
तो ये उसके मन में हमेशा से रहती है। इसके उपरांत में उसे बहुत सारे, उसके जब विवाह होती है तो बहुत सारे गहने उसे दिए जाते हैं, भले वो कैसे भी आए उसे दिए जाते हैं। उसे गहने से बहुत लगाव रहता है, आभूषण से बहुत लगाव रहता है। तो जब वो चोरी हो जाते हैं या खबर मिलती है कि उसे, तो बेच दिया जाता है उसके पति और ससुर द्वारा, उसके आभूषण चुरा करके बेच दिए जाते हैं सराफे के तकाजे, सराफे वालों के पैसे चुकाने के लिए। तो वो बहुत उदास रहने लगती है। क्यों? क्योंकि आभूषण से उसे बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था उसे आभूषण से। तो वो थोड़ी सी उदास रहने लगती है, उसकी उदासी उसके पति से देखी नहीं जाती है। उसका पति बाद में अच्छा सा काम पा जाता है, म्यूनसिपालिटी में काम करने लगता है, उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। वो धीरे धीरे करके कुछ पैसे चुकाने भी लगता है, जो उसके शादी में खर्च हुए थे पैसे चुकाने भी लगता है। लेकिन जो देखता है उसकी उसकी पत्नी जो है वो बहुत उदास रहने लगती है, तो वो कर्ज कर करके अपनी पत्नी के लिए कंगन और हार उधार पे लाता है। क्योंकि वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा था उस समय। वो जानता है कि मैं अभी उधार पे लेके जाऊंगा, लेकिन पैसे तो मैं बहुत अच्छे खासे कमा रहा हूँ, मैं उसे चुका दूंगा क्योंकि मेरी कमाई हो रही है। जब वो नए कंगन और हार लेकर के आता है तो जलपा बहुत खुश होती है। मतलब जब उसके गहने चोरी हुआ तो बहुत उदास रहती है, लेकिन जब नए गहने उसके लिए आते हैं तो बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक समाज में या एक परिवार में एक महिला का, एक स्त्री का आभूषण के प्रति कितना प्रेम है। क्योंकि आप और हम जब देखते हैं अपने मध्यवर्गीय समाज को, तो मध्यवर्गीय समाज की इतनी हैसियत नहीं रहती है। वो अपना नहीं बोलते हैं पेट काटे कहें या जैसे भी हो, कष्ट करके हर जो समाज मध्यवर्गीय समाज चाहता है कि ये समय कट जाए, मेरा आने वाला समय बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छा हो। लेकिन यहाँ पे देखने रहता है महिला, जिसे कहा जाता है कि वो एक मकान पे घर बनाती है, तो वही जो है उसका सारा का सारा प्रेम जो है, उसका सारा का सारा प्रेम केंद्रित है सिर्फ और सिर्फ आभूषण पे, जिसके लिए ये पूरी की पूरी घटना जो कुछ भी यहाँ पे होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसके इर्द गिर्द। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इसके इर्द गिर्द, इसमें बहुत सारी चीजें, कुरीतियां, बहुत सारी चीज निकल के आती है। तो जब शुरुआत में देखते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलती है कि सारा का सारा जड़ कहाँ से शुरू होता है, तो उसके आभूषण प्रेम को लेकर के शुरू होता है। तो परंतु इस सारी परिस्थितियों के पीछे पति द्वारा वास्तविकता से दुराव है, यानी उसका पति उसके लिए गहने तो लाता है, उसके वास्तविकता से उसको अनभिज्ञ रखता है, उसके वास्तविकता से उसका परिचय नहीं करवाता है, ना तो उसे बताता है। यदि उसे मालूम हो जाता कि जेवर उधार में आए हैं और घर की वास्तविक स्थिति वह नहीं जो रमानाथ है उसे बना करके बता रहा है, तो वो कभी जेवरों की आग्रह न करे। ये बहुत सारे लोगों का कहना है। इस उपन्यास तंत्र में जब आप आलोचकों को जाएंगे, आलोचकों को पढ़ेंगे, तो बहुतों का ये कहना है कि अगर जलपा को पता होता उस घर की वास्तविक स्थिति तो वो उस घर को और बेहतर करती, वो कभी भी आभूषण के प्रति प्रेम नहीं आती। हाँ, जलपा का ये चरित्र आपको जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये चरित्र भी आपको देखने को मिलता है कि जब शुरुआत में एक नारी, एक स्त्री जब आभूषण के प्रति इतना प्रेम रखती है, परंतु जब उसका पति उसे छोड़कर चले जाता है, किन्हीं कारणों से, आप जब उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, किन्हीं कारणों से जब उसका पति उससे दूर हो जाता है, तब उसकी एक और छवि देखने को मिलती है। किस प्रकार से अपने परिवार को संभालती है, अपने सास ससुर को संभालती है, सिर्फ वही नहीं, जब वो अपने पति के खोज खबर में दूसरे जगह पे जाती है, दूसरे एक राज्य में जाती है, वहां उसके पति से फिर दोबारा कुछ गलती हो जाती है, जिस कारण कई लोगों को जेल में मौत की सजा हो जाती है, फांसी की, तो उसके परिवार की भी देखभाल करती है। तो एक अलग, एक उलट छवि आपको देखने को मिलती है एक स्त्री की और जालपा की, एक उलट सी छवि आपको देखने को वहां भी मिलती है। तो हाँ, इस उपन्यास को जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें, इसीलिए उपन्यास इतना बेहतर है, गबन उपन्यास को जब आप पढ़ें तो इतना बेहतर है कि इसके समाज में नारी की स्थितियों कितने बेहतर ढंग से, क्योंकि जब आप प्रेमचंद को पढ़ें तो प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम के बाद आपको महिला के ऊपर, एक नारी के ऊपर इतनी बेहतरीन उपन्यास आपको दूसरी यह उपन्यास है जो आपको देखने को, पढ़ने को मिलती है प्रेमाश्रम की तरह। जब आप मुझसे पूछें कि गबन और प्रेमाश्रम में, तो मैं प्रेमाश्रम का स्थान थोड़ा सा ऊपर अपने नजर में देता हूँ, क्योंकि हाँ जो बहुत जो मुख्य समस्या है समाज की, जो बहुत प्रमुख समस्या है उसे दर्शाया गया है, वह यहाँ भी दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी इस उपन्यास की, अगर प्रेमाश्रम और इसकी तुलना की जाए, तो इस उपन्यास की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो एक स्त्री का, एक स्त्री का अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति वो जिम्मेदारियों कितनी अच्छी ढंग से निभाती है। इस उपन्यास की सबसे खास बात मुझे वो लगती है कि एक बच्ची जिसे प्रेम रहता है चंद्रहास से कि मेरा होने वाला पति लेकर आएगा, तो उसके जेवरात जब चोरी हो जाते हैं वो दुख में आ जाती है, उसका पति पुनः वापिस से चोरी करके, चोरी नहीं उधार करके उसके लिए कंगन और चंद्रहार लाता है, तो वापिस से खुश हो जाती है।
इसके इतर वो फिर जब आगे जाती है तो अपने चंद्रहार और अपने आभूषणों के प्रति अपने सारे प्रेम को त्याग देती है। उसका सारा का सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है कि उसके पति ने पाप किया है। पाप क्या किया है? झूठी गवाही दी है। उस गवाही के बदौलत कईयों को जेल हुई है, जेल भी हुई है, फांसी की सजा हुई है। और जिसे फांसी की सजा हुई है वो किसी परिवार का इकलौता कमाने वाला था, और यह बहुत गलत किया उसके पति ने। उसका जो परिवार का जिसे फांसी हुई है, परिवार का कमाने वाला इकलौता इंसान मर जाता है, आदमी मर जाता है, उसका परिवार आगे कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा? इसके लिए जालपा उसके घर में रहती है, उसके घर में काम करती है, उसके माँ बाप को ख्याल रखती है। तो यह उस उपन्यास की एक एक ही स्त्री के दो उलट उलट, अगर हम कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू, तो ऐसे ही आपको इस उपन्यास को जब आप पढ़ें तो जालपा के दो रूप देखने को मिलते हैं, ये जो कैसे कैसे भिन्न है। और इसके पीछे बदलाव के पीछे बहुत सारे कारण है, जिसपे हम लोग, जब हम कथा वस्तु पे मुख्य रूप से जब हम कहानी पर चर्चा करेंगे तो उस पर बात करेंगे। हाँ, एक चीज कहानी पे आप लोग, कई बार मुझे कहा जाता है कि कथा वस्तु को लेकर के चर्चा करने के लिए, कहानी को बताने के लिए, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उपन्यास की जो कथा वस्तु है, कहानी, कथा वस्तु में अपने विचार रख सकता हूँ आपके समक्ष। क्योंकि जब मैं कोई भी विषय विशेषज्ञ, इवन आप भी, जब मैं आपसे चर्चा करता हूँ या आपको पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता आपकी पढ़ाने के संदर्भ में आपकी क्या क्या आप चाहते हैं, क्या आप जानते हैं, मुझे नहीं पता। पर मैं जब अपनी बात रखता हूँ तो मैं अपने विचार रखता हूँ। क्योंकि जब आप इस किताब को, जो आप लोगों के लिए है MSD में, MSD 14 Block 4, जब आपको जो मुख्य चीज आपको जाननी है, इस किताब को पढ़ के आप जान जाएंगे, तो और मेरे से बेहतर जानेंगे कि मेरे से बहुत बड़े बड़े लेखकों ने इसे लिखा है, इसे रचा है, तो आप जान जाएंगे इसे पढ़ करके। तो मैं ये बात आपके समक्ष नहीं रखता हूँ। पहली चीज, मेरी कक्षा जब भी करो तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दे कि यहाँ पे जो चीज कही गई वो चीज मैं आपके समक्ष लेकर के आऊंगा, तो मैं कभी नहीं लेकर के आऊंगा। मैं जब आपसे बात करता हूँ तो मैं अपने विचार रखता हूँ कि इस उपन्यास को मैंने पढ़ा, मेरे क्या एक विचार निकल के आते हैं, उसे मैं आपके समझ सकता हूँ। क्योंकि जो किताब में लिखी गई वो आपको किताब से समझ आ सकती है, ऐसा कोई इसमें क्लिश शब्द नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। आपको कहानी तो ना, मैं कुछ कहूंगा तो कहानी चेंज तो नहीं हो जाएगा, जो उसमें लिखी हुई कहानी है, जो पटकथा है, जो कथा वस्तु, वही रहेगी। पर मैं जब आपसे चर्चा करता हूँ तो मैं अपने विचार आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप मेरे विचार या कई अलग अलग विचार, कई अलग पुस्तक पढ़ें तो आपके एक नई विचार बने। मैं जो जैसे जलपा को देखता हूँ, आप जरूरी नहीं कि वैसे ही देखे वही लिखे, वो आपके विवेक के ऊपर, आपके मानस के ऊपर है। आप जलपा के चरित्र को कैसे देखते हैं, वो आपके विवेक के ऊपर है, आपके मानस के ऊपर है। या प्रमाणात के चरित्र को कैसे देखते हैं हम, आपके विवेक आपके मानस पर है। कि आप दयानाथ के चरित्र को कैसे देखते हैं, दीनदयाल के चरित्र को कैसे देखते हैं। तो कभी भी जब मैं किसी भी विषय पर, या कोई भी किसी विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, तो उसके इतर आप खुद भी पढ़ें। मैंने कह दिया कि प्रेमचंद पहले आदर्शवादी थे, फिर यथार्थवादी हो गए, फिर आदर्श अनुमुख, यथार्थ अनुमुख हो गए, तो मैंने कह दिया। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, आप चीजों को पढ़े, उसके कुछ ठीक है, चार किताबों को पढ़ेंगे तो आपको एक समझ विकसित होगी, और आपकी समझ जब विकसित होगी तो आपके लिए काम आएगी। मेरी समझ या किसी विषय विशेषज्ञ की समझ या पुस्तक की समझ को लेकर कभी मत चलिए, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज को परिवर्तन करता है। कहा जाता है ना कि साहित्य समाज को परिवर्तन करता है, समाज से स्वयं भी परिवर्तन होता है। तो समाज को परिवर्तन कैसे करता है? समाज थोड़ी ऐसा कुछ एक चीज थोड़ी रखा गया है कि इसे इसे ये कॉपी रखी गई, इसे हम लोगों ने समाज कह दिया, इसके शायद सामने हम वो जैसा रामचरित मानस से कुछ भी एक गाना गा दे तो किताब खोल के ये परिवर्तित हो जाए, किताब बन जाए, ऐसा तो नहीं है। समाज परिवर्तित होता है आपसे और मुझसे। यहाँ पे हम लोग 16 लोग जुड़े हुए हैं, 17 लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग समाज का एक अंग है। हम और आप, हमारी जो मानस बनेगी, हमारी जो मानसिक स्थिति बनेगी इस उपन्यास को लेकर के, जो हम जब समाज को देखेंगे, समाज से उसे जोड़ेंगे, एक संदर्भ नया निकालेंगे, लिखेंगे, वो एक परिवर्तन ऐसा होता है। तो यही मेरी आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि पढ़ें चीजों को। सिर्फ मैं कह देता हूँ, उसे सुने, भजन जैसा ना सुने, कहानी जैसा ना सुने, कोई संगीत जैसा ना सुने, उसे खुद भी पढ़ें, खुद की अपनी एक मानस निर्मित करें। आप अपना पक्ष रखें कि आप जैसा आप मुझसे कह सकते हैं, इस पे आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, 1.5-2 घंटे का डिस्कशन कर सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जलपा जो थी वो एक आभूषण के प्रति ही उसका आकर्षण था, वो अपने समाज को कुछ नहीं समझती थी, अपने पति को कुछ नहीं समझती थी, उसका सारा का सारा प्रेम ऐसा, इस पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि जब हम इस उपन्यास को आगे जाकर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जलपा का एक अलग ही हमें रूप देखने को मिलता है, कि उसे कितने सेक्रीफाइस करती है अपने पति के पाप के कारण। वो कहती है ना कि मेरे पति ने पाप किया है, कि उन्होंने झूठी गवाही दी है। झूठी गवाही किस लिए? पैसे के लिए। उसे जब दरोगा धमकाता है कि तू झूठी गवाही दे वरना मैं तुझे अंदर कर दूंगा, तो बोलता है हाँ मैं झूठी गवाही दूंगा। कोर्ट में जाकर झूठी गवाही देता है, उसका प्रायश्चित कौन करते है? उसकी पत्नी, वही पत्नी
जिसे आभूषण के प्रति इतना प्रेम रहता है कि जब कहा जाता है कि तुम्हारा आभूषण चोरी हो गया तो खाना पीना छोड़ देती है, गुमसुम रहने लगती है, उदास रहने लगती है। वही स्त्री की जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसका चरित्र में परिवर्तन होता है, तो इसके पीछे कारण बहुत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उपन्यास को पढ़ें, आपकी अपनी जब मनोस्थिति बनेगी ना आपको अच्छा लगेगा कि आपने कुछ सीखा है इस उपन्यास से। तब जब आपके मानस आपकी एक सोच बनेगी तब आप जब बेहतर लिखेंगे। जैसे कई लोगों को होता है ना कि सर हम जब लिखते तो बहुत हैं पर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, अब देखिएगा क्यों मार्क्स नहीं आते हैं। तो मार्क्स ऐसे नहीं अच्छे आते हैं, लिखते तो सब हैं। जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, ये उपन्यास जब आप पढ़ते हैं गबन, ये उपन्यास मैंने पढ़ाया तो कोई बदल थोड़ी जाएगा, कुछ बदलाव थोड़ी आएगा, वही रहेगा। पर लिखने का कौशल कैसे अलग होगा, जो नंबर आप लोग कहते हैं नंबर की बात होती है, हर जगह बात होती है नंबर की, तो वो आपके लेखने के ऊपर है। कि हर कोई ने कहा कि जलपा, बहुत जलपा का प्रेम था आभूषण आभूषण आभूषण, 10 ने लिखा, एक ने लिखा कि उसका आभूषण के प्रति उसका प्रेम तो था, तो उसका प्रेम परिवर्तित होता है इन इन कारणों की वजह से। तो उसने कुछ एक नया लिखा ना, तो एक अच्छा इंप्रेशन गया था, जो चेक करने वाला अच्छा नंबर देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने मानस बनाइए, चीजों को डेवलप कीजिए, अपनी एक सोच लाइए, नई सोच लाइए, उस पर लिखिए, तब आपको भी आनंद आएगा। बाकी तो लिखते तो सबको, हर कोई लिखेगा कि जलपा का आभूषण का प्रेम था, उसका पति रवाना था, उसका ससुर ये था, वो हर कोई लिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इस थोड़ी सी और समय है, 5-10 मिनट का, मैं थोड़ा सा और समय लूंगा, इसमें चर्चा खत्म कर लें। तो रामानाथ स्वयं अपने जाल में फंसता है, जैसा आप लोगों को पता है इस उपन्यास को पढ़ते हुए, कि रामानाथ स्वयं अपने जाल में फंसता है, अपने जीवन को वह कितना आडंबरपूर्ण कृत्रिम बना लेता है। कृत्रिम इन द सेंस, कृत्रिम का अर्थ पता है ना, वो अपने जीवन को कितना कृत्रिम, कृत्रिम यानी कि काल्पनिक बना लेता है, अपने से रच लेता है कि ऐसा ऐसा मेरा जीवन है, पर उससे बहुत अलग उलट रहता है, कृत्रिम बना लेता है। वो अपनी शान रखने के लिए फैशन करता है, अपनी पत्नी को फैशन में रखता है, अपनी पत्नी को अपना वेतन अधिक बताता है, जैसा वहां पे आप जब इस पढ़ेंगे ना, उसका मिलते रहते हैं उसको 10 या 12 रुपए मिलते हैं, अपनी पत्नी को बोलता है मुझे तो बहुत 20 रुपए मिलते हैं, तो वेतन अधिक बनाता है। मतलब इतना सब होने के बाद भी आप देखे वो अपने आप को थोड़ा ही वेतन नहीं करता है, उसके घर में हमेशा सराफे वाले आते हैं तका दे के लिए, अपनी पत्नी का जेवर चुराता है, अपने पिता के साथ मिलकर, वह पिता जो बहुत ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र के लिए उसे आभूषण चोरी करने पड़ते हैं, उसके बाद भी अपनी झूठी शान, अपने आडंबर, अपने कृत्रिम बना लेता है। वो अपनी शान रखने के लिए फैशन, खुद फैशन करता है, अपनी पत्नी को फैशन करवाता है, वो अपनी पत्नी को अपना वेतन अधिक बताता है, रिश्वत खूब उड़ाता है, रतन के सामने अपनी झूठी शान जताता है, हेरा फेरी से अपनी बात रखता है। रतन ने कंगन बनवाने के लिए जो रुपए दिए थे, इस उपन्यास में और एक चरित्र है रतन, जिसकी पत्नी रहती है, वो जो आगे चलते जलपा की बहुत अच्छी दोस्त हो जाती है। जलपा के कंगन जब देखती है तो कहती है तुम्हारे कंगन तो बहुत अच्छे, कहाँ से लाई हो? तो उसको कहती है कि मेरे पति ने बनवाए हैं। तो वो कहती है ठीक है मेरे लिए बनवाते ना, वो पैसे देती है कि मेरे लिए भी अपने पति से कहकर सेम ऐसा ही कंगन बनवा देना। तो उस का रतन जो है उसकी पत्नी रहती है, वो रतन भी एक है, तो रतन से वो पैसे लेता है कंगन बनवाने के लिए, जिन्हें वो खर्च कर देता है सराफे को अपनी शान रखने के लिए, या अपने जो उधार लिए रहते हैं जालपा के लिए, जब वो उधार लेता है उसमें उसे दे देता है, उसे पैसे, उसे उसके पैसे वही खर्च कर देता है, उसे कंगन ला के नहीं देता है। रतन को झूठ बोल बोल कर टालता जाता है, रतन को लगातार रतन से कहता है कि कंगन नहीं ला दे, तो बोला नहीं, बस कल परसों टालते रहता है। पर जब रतन की संख्या बढ़ जाती है, वह कड़ा तकाजा करती है, तो चुंगी के रुपए में से रतन को दे देता है और सरकारी गबन के भय से भाग जाता है। जब रतन बार बार उसे कहता है ना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं कंगन बनवाने के लिए अपनी पत्नी के लिए, तो तुम दो 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 कंगन बनवा के दो, तो आजकल आजकल करता रहता है। तो जब डाउट होता है, जब उसे शंका बढ़ती है रतन की, तो रतन उसे कहता है, रतन उसे तीखे स्वर में कहता है, जैसा हम लोग जानते हैं ना कि आप भी किसी को कुछ काम दो वो बोलता है हाँ कल कर दूंगा, आज कर दूंगा, कल कर दूंगा। तो एक इंसान के सब्र की एक सीमा होती है। तो जब रतन देखता है कि बार बार ऐसे आजकल आजकल कर रहा, तो शंका होता है, क्योंकि जो कंगन बनवाने के लिए रुपए दिए गए कोई छोटी रुपए तो थी नहीं, कोई चवन्नी तो नहीं थी, अठन्नी तो नहीं थी, कुछ अच्छे दाम थे, जो सोने के कंगन आपको भी पता है, हमें भी पता है आज के समय में सोने के कंगन क्या दाम है। तो जब आप उतने रुपए किसी को दोगे कि मेरे लिए भी कंगन ला देना सेम वैसे ही, और वो जब आपको टाले, तो आपके मन में भी एक नहीं होता है गुस्सा, एक शंका तो आती है, साथ में गुस्सा आता है कि ये इंसान इतना फ्रॉड है, कितना झूठा है, कि तब से मुझे कह रहा है कि हाँ, इतने दिनों से ला के नहीं दे रहा। तो ये शंका जब रतन के मन में आती है, तो रतन उसको तो गुस्सा होता है, उसे कहता है कि मुझे चाहिए, तब तो पैसे मुझे ला करके दो, नहीं तो मुझे कंगन दो। तब तो वो द्वंद की स्थिति में हो जाता है, उसे कहता है कल के कल मुझे चाहिए। तो
द्वंद की स्थिति वो क्या करेगा, क्योंकि पैसे तो उसने खर्च कर दिए रूपा के लिए, जालपा के लिए, जब उसने सराफे के यहाँ से जो उधारी में जो उसने लिए थे गहने आभूषण कंगन जो उसने लिए थे उसे तकाजे में दे देता है, तो उसे फिर चुकाए कैसे रतन को? तो क्या करता है, वो म्यूनसिपाल्टी में काम करता था। तो म्यूनसिपाल्टी में एक, आप लोगों ने शायद सुना हो नहीं सुना हो कि म्यूनसिपाल्टी में एक रोज का रोज वसूली होती थी, यानी मार्केट वगैरह जो लगते थे उसे चुंगी कहा जाता है, तो वो एक पैसे कलेक्शन जैसे कहते हैं, रोज के रोज कुछ कलेक्शन होते थे, उसे वापस भी जमा कराए जाते थे म्यूनसिपाल्टी के खाते में। तो वह पैसे जो है कलेक्शन होते हैं और उस जो एक जगह उसे रखा जाता है कि आज तो ऑफिस बंद है कल इसे जमा करवाया जाए, तो क्या करता है वहां से फिर गबन करता है, गबन इन सेंस वहां से पैसे चुराता है। इसी पे इस उपन्यास का पूरा नाम है गबन, जो उपन्यास को जब आप देखते हैं गबन, तो इस उपन्यास की शुरुआत वहीं से होती है कि वो वहां से पैसे चुराता है, क्योंकि रतन ने जो पैसे दिए हुए कंगन बनवाने के उसने खर्च कर दिए, रतन को पैसे वापस देने हैं, वो पैसे कहाँ से वापस देगा, तो चुंगी से चुराता है पैसे और वो पैसे रतन को वापस ला करके लौटाता है, रतन को लौटाता है या शायद जलपा को देता है देने के लिए, मैं भूल रहा हूँ। तो वो पैसे वहां से चुराता है और सरकारी गबन, क्योंकि पैसे चुराए हैं कल के कल फिर जमा होने हैं म्यूनसिपाल्टी में, और म्यूनसिपाल्टी में पैसे जमा नहीं होंगे तो वो फिर उसके लिए दंड मिलेगा, तो उस गबन से, उस दंड से बचने के लिए, सरकारी दंड से बचने के लिए वो शहर को छोड़ करके भाग जाता है, शहर को मतलब अपनी पत्नी को अपने परिवार को छोड़ करके वो रातों रात वहां से भाग जाता है। और इसी पे इसका पूरा ताना बाना, इस उपन्यास को जब हम कहते हैं गबन उपन्यास, तो इसको पूरा ताना बाना इसी के ऊपर रचा गया है। आगे मैं अगर थोड़ी बहुत चर्चा करता हूँ फिर हम पिक्चर को समेटेंगे। तो प्रेमचंद ने मध्य वर्ग के खोखले जीवन की सजीव झांकी, झांकी मतलब एक झरोखा, एक 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 है ना आपके सामने झांकी, इन द सेंस जो एक छोटा सा मतलब इस उपन्यास के माध्यम से मध्यवर्गीय खोखले परिवार की स्थिति कैसे उसे परोसने का काम उसकी झांकी प्रकट की है। इस आडंबरपूर्ण कृत्रिम और दिखावटी जीवन को निभाने के लिए इस वर्ग के लोगों को कितने स्वांग रचने पड़ते हैं, स्वांग का मतलब कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, कितने फरेब करने पड़ते हैं, किसी भी प्रकार का पाप कर्म ये कर सकते हैं बशर्ते कि वह छिपा रहे। मतलब ये जो समाज है, समाज में देखिए कितना तीखा प्रहार प्रेमचंद करते हैं जब वो लिखते हैं कि इस आडंबरपूर्ण कृत्रिम और दिखावटी जीवन को निभाने के लिए इस वर्ग के लोग कितना स्वांग रचते हैं, किसी भी प्रकार का पाप कर्म ये कर सकते हैं बशर्ते कि वो छिपा रहे। जैसे तो आप देखते हैं ना कि रतन से जब वो पैसे, रतन जब उसको पैसे देता है कंगन बनवा लाना, तो जब तक छुपा रहे उसकी बात की, हाँ आजकल आजकल तो वो ठीक रहता है, लेकिन जब उसको शंका बढ़ती है और उसे तो तीखे स्वर में कहता है कि मुझे या तो कंगन दो या पैसे दो, तो वो अपने उसके उसके जो शान है, झूठी शान है, उसे बनाए रखने के लिए उसने पैसे लुटा दिए, इसे छिपाने के लिए वो चुंगी के पैसे चुराता है। तो वही चीज है इस समाज में जो है मेन चीज है कि वो छुपा रहे, चोरी, रिश्वतखोरी, झूठ फरेब, हेरा फेरी, गबन सब कुछ संभव है इस वर्ग के लिए। यद्यपि रामानाथ की समस्या व्यक्ति की समस्या है पर यह समुच्चय मध्य वर्ग पर भी लागू होती है, क्योंकि रामानाथ जो है वो यहाँ पे एक मध्य वर्ग को दर्शा रहा है, एक पूरे का पूरे मध्य वर्ग का वो, अगर हम कहें रामानाथ पूरे का पूरे मध्य वर्ग को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है, अपने तरफ से पूरे के पूरे मध्य वर्ग को प्रस्तुत कर रहा है। प्रेमचंद ने उपयुक्त मुख्य समस्या के अतिरिक्त ब्रिटिश पुलिस पद्धति, जैसा कहता आप आगे जाते हैं मैं कहता हूँ ना कि पुलिस एक झूठे गवाही में रमानाथ को लेकर क्या आती है, तो इसमें एक ब्रिटिश पुलिस पद्धति के हथकंडों का भी रचना मतलब खूब पर्दाफाश किया गया कि उस समय की दौर कैसे थी, उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, उस समय की जिसे हम लोग कहते हैं पुलिस व्यवस्था, उस समय की पुलिस व्यवस्था कैसी थी उसका भी पर्दाफाश किया है। पुलिस किस प्रकार झूठे गवाह बनाती है, निर्दोष दिनेश आदि को फंसाती है, गवाहों को प्रलोभन देकर उनका नैतिक पतन करके अपने जाल में फंसाया है, रिश्वत का बाजार गर्म है, सत्याग्रह और देशभक्तों को कुचला जा रहा है। यहाँ पे एक चीज देखिए, सत्याग्रह और देशभक्तियों का मैंने शुरुआत में कहा, क्योंकि हर उपन्यास के पीछे बहुत सारे इतिहास होते हैं, तो 1931 में जब आया वो दौर आजादी का था, उसके लिए बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, तो यहाँ पे भी उसके एक झड़ोखी आपको देखने को मिलती है, जब सत्याग्रही और देशभक्तों को कुचला जाता है, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उन्हें फंसाया जाता है, और उस आरोप को सिद्ध करने के लिए गवाह की जरूरत है, गवाह कहाँ से लाए, रामानाथ को गवाह बनाया जाता है, रामानाथ झूठा गवाही देता है, इसके वजह से दिनेश को यहाँ पे एक है पात्र है जो फांसी होती है, वो घर का इकलौता था कमाने वाला, इसके जब ये बात पता चलती है जालपा को, तो जालपा उसके
घर में वो इकलौता कमाने वाला होता है, तो उसके घर को सेवा करती है, उसके माता पिता को, और उसने पति ने जो उसको पाग किया उसको प्रायश्चित करने का काम करती है। तो यहाँ पे सत्याग्रहियों और देशभक्तों को पूछा जाता है, इन्होंने समाज के यथार्थ को, यथाशी यथार्थ को भी यहाँ रखने का बहुत अच्छा प्रयत्न किया गया इसके माध्यम से। देवी दीन खटीक के जवान बेटे स्वदेशा आंदोलन में पुलिस की लाठियों का शिकार हुए थे। प्रेमचंद जी ने इस रचना में भी अनमोल विवाह का, अनमेल सॉरी अनमोल नहीं, अनमेल विवाह का एक करुणा परिणाम प्रस्तुत किया है। नवयुवती रतन एक संपन्न बूढ़े वकील की पत्नी है, नवयुवती रतन एक संपन्न बूढ़े वकील की पत्नी है, यद्यपि वह धनी पति से संतुष्ट है, उसका अतृप्त लालसा खाने खर्चाने से दबी रहती है, पर प्रेमचंद ने दो रूपों में उसकी स्थिति को गंभीर रंग भरा है। मतलब ये जो रतन की हम बात करते हैं, दो रूपों में उसको बहुत, क्योंकि उसके पिता जो उसके विवाह कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ, वो परिवार की उतनी अच्छी नहीं रहती है, रतन की जो हम बात करते हैं परिवार की उतनी अच्छी नहीं रहती है, उसके परिवार वाले उसके विवाह सिर्फ एक एडवोकेट से, एक वकील से इसलिए कर देते हैं क्योंकि परिवार का बहुत अच्छा संपन्न है और वो बूढ़ा हो गया है, इस वजह से उसकी विवाह इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो अगर निकल भी गया या वो अगर नहीं भी रहे, वो अगर स्वर्गवास सिद्धार्थ है, तो जल रतन की स्थिति तो बहुत अच्छी है, वो बहुत पैसे छोड़ के जाएगा, उसको कोई बच्चे उच्चे भी है नहीं, सारे पैसे रतन को नहीं, तो यह सोचकर उसके एक स्थिति यह भी बनती है। अनमेल विवाह की जो एक बात की है, जो प्रेम आश्रम में भी आपको देखने को मिलती है, अनमेल विवाह नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पे दूसरी कारण, लेकिन स्त्री जीवन से ही संबंधित एक कारण देखने को मिलता है, वही एक कारण इन्होंने स्त्री जीवन को, प्रेमचंद के हर उपन्यास में देखिए कितने सारे चीज देखने को मिलते हैं, एक स्त्री की स्थिति कि वो आभूषण के प्रेमी है, वही स्त्री फिर आगे चल के उसके परिवर्तन होता है, एक पुरुष जो पहले शुरुआत में हेरा फेरी करता है, गबन करता है, उसके बाद भी वो नहीं सुधरता, झूठी गवाही देता है, समाज में संग्राम, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है उसके संदर्भ में एक बात कही गई, एक और चीज है रतन की स्त्रियों के प्रति एक और स्थिति की अनमेल विवाह की स्थिति, उसे भी दर्शाया गया है। इसी तरह जब आप प्रेमचंद के हर उपन्यास को पढ़े बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, समाज के हर कुरीतियों को वो तीखा प्रहार करते हैं। यहाँ प्रेमचंद ने हिंदू विधवा रतन की असहाय दशा दर्शाकर समाज को विचारने के लिए बाध्य कर दिया है, पति की मृत्यु के बाद उससे उसके अधिकार छीन जाते हैं, उसका भतीजा ही छल कपट से सारी संपत्ति हड़प कर जाता है और वह एकदम कंगाल हो जाती है। इस विमेल वैवाहिक पद्धति का दुष्परिणाम एवं हमारे समाज में नारी की दयनीय दशा का करुणापूर्ण चित्रण है, जिसे आप, मैंने अभी पहले ही कहा कि उन्होंने अपने इस उपन्यास के माध्यम से नारी के बहुत सारे रूपों को, नारी की समाज में जितनी भी बहुत सारे रूप है, बहुत सारे उन नारी पे जो यातनाएं हो रही है उसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। सार के तौर पर अगर मैं बात करूं, उसे समेटते हुए एक सार के तौर पर मैं बात करूं, तो गबन में भी प्रेमचंद ने पुण्यता यथार्थ से आरंभ करके आदर्श की परिणति, आदर्श में परिणति की है। जैसा प्रेमचंद के लेखनी का एक सबसे अच्छा, हम लोग कहें अगर उनकी लेखनी को, जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो उसके सबसे बेहतरीन चीज उसके अगर उनके लेखनी में देखने को मिलती है, तो यथार्थ से आदर्श जो परिवर्तित होता है उनकी जो ज्यादातर लेखनी होते हैं, ये चीज यहाँ भी उन्हें देखने को मिलती है कि गबन में भी प्रेमचंद ने पूर्णता यथार्थ से आरंभ करके आदर्श में परिणति की है। अंत तक पहुंचते पहुंचते सब पात्र आदर्शवादी बन जाते हैं। यथार्थ जब जालपा को आभूषण का प्रेम होते हैं, आदर्श वो अपने पति के पाप को किए हुए प्रायश्चित कर रहे हैं। यहाँ पे देखा आपने, मैंने उदाहरण दिया यथार्थ से किस तरह आदर्श में सब पात्र भी है, हर पात्र यहाँ पे शुरुआत होती है यथार्थ से पहुंच जाते हैं आदर्श पे। रमानाथ अपनी पत्नी जालपा के प्रभाव से बदल जाता है, वो अपना बयान बदल देता है, निर्देश अभिव्यक्तियों को छुड़ा लेता है, वह पुलिस के प्रलोभन को ठुकरा देता है, यहाँ तक कि जोहरा जो एक और एक पात्र यहाँ पे जो एक वेश्या है, तो जोहरा वेश्या भी बदल जाती है, वह अपने वेश्यावृत्ति छोड़कर सेवा और त्याग का जीवन बिताने लगती है। प्रेमचंद ने रतन, जोहरा, रमानाथ, जालपा, देवदीन आदि सभी पात्रों को अंत में सेवा त्याग का आदर्श जीवन बिताते देखा है। यह सब अपना एक आदर्श संसार बसाते हैं और छल कपट असत्य अन्याय आदि के स्थान पर सेवा सत्य अहिंसा प्रेम के राज्य में लिप्त हो जाते हैं, किंतु गबन में यह आदर्श परिणति किसी प्रकार की अस्वाभाविकता या असंगति प्रतीत नहीं होती। वास्तव में प्रेमचंद ही नगर के प्रपंचात्मक जीवन के ऊब कर प्रपंचात्मक जीवन से ऊब कर अपने प्रिय ग्राम जीवन के सरल शांतिपूर्ण वातावरण में आते प्रतीत होते हैं। यहाँ पे यह कहना कि यहाँ पे प्रेमचंद वास्तव में प्रेमचंद नगर के प्रपंचात्मक
नगर के प्रपंचात्मक जीवन से उबकर अपने प्रिय ग्राम्य जीवन में सरल शांतिपूर्ण वातावरण में आते हैं। यहाँ पे यह कहने का संदर्भ यह है कि जब आप प्रेमचंद के जीवनी को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि प्रेमचंद शुरुआत में उनके जब लेखनी का आरंभ करते हैं तो कितने प्रसिद्ध होते हैं अपने लेखनी की वजह से। जब वह गोदान जब उनकी छप निकलती है तो उस दौर में हम देखते हैं कितने बड़ी कितना उन्हें प्रशंसा मिलती है। प्रगतिशील लेखक संघ हो गया किया है वो उस दौर में, कांग्रेस महासभा की जो पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होती है, पहले सभा को संबोधित करते हैं। तो अपनी लेखनी के लिए प्रेमचंद बहुत ज्यादा कहें तो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। उसके कारण उन्हें काम मिलता है, बम्बई भी जाते हैं और उन्हें वहां पे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनका जो था एक रचनाशील लेखक थे, बहुत अच्छा वो रचनाशील कहें तो वो बहुत आदर्श यथार्थ के ऊपर लिखा करते थे। और जब वो जाते हैं बम्बई वहां पे काल्पनिकता को जब देखते हैं तो वापिस लौटते हैं। तो कई लोग ये 1931 में छपी भवन उपन्यास को यह भी मानते हैं इसमें प्रेमचंद के जीवन को हल्का फुल्का देखा जाता है, जहां पे बात करते हैं यथार्थ से आदर्श में परिवर्तित होता है। तो इसका कहने का संदर्भ यह है कि प्रेमचंद भी जब मुंबई जाते हैं वहां पे उन्हें काम में रुचि नहीं मिलती, वापिस अपने लेखनी काम में आ जाते हैं, अपने गाँव के ऊपर आ जाते हैं। तो जो अंत में ये लाइन कहने की प्रेमचंद भी प्रपंचगत नगर से वापिस लौट करके अपने गाँव में आ जाते हैं। तो हाँ, उनका लेखनी में यह कहा जाता है कि प्रेमचंद जब 1930 के बाद के या 28 के बाद के उपन्यास को देखे तो थोड़े से भटकाव उनको उपन्यास में देखने का, ऐसा लोगों का कहना है जो आलोचक हुए हैं उनका कहना है कि 1928 के बाद 1929 के बाद के उनके उपन्यास में थोड़ा बहुत यह देखा जाता है कि वो भटक रहे हैं, उतनी बेहतरी नहीं निकल के आती है। लेकिन 1931 में गबन के साथ वो फिर से वापस करते हैं अपने उस लेखनी कौशल में जिसे प्रेमचंद को बहुत बेहतरीन, या प्रेमचंद का जिसे हम कहा जाए काल के नाम में फेमस हो गया कालजाई उपन्यास के कारण, तो अपने उस लेखनी में वापस लौटते हैं। तो ये हल्की फुल्की रूपरेखा मैंने आपके समक्ष रखी। इसको विस्तार से चर्चा, इसकी भाषा शैली वगैरह पे चर्चा हम लोग आगामी सप्ताह में करेंगे। मैं ही इस पर वापस से चर्चा करूंगा ताकि, क्योंकि शुरुआत मैंने की है तो अंत भी मुझे को करना रहेगा, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि मैं अलग अगर किसी को लेकर के आऊंगा वो अपनी राय रखेगा तो आपके लिए दुविधा होगी। तो ये आज की कक्षा से संबंधित, गबन से संबंधित जो हल्की फुल्की एक कथा वस्तु या एक रूपरेखा मैंने आपके मानस में देने का प्रयास किया। इसके इतर आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पढ़ के आइए ये क्या है उपन्यास, किसके ऊपर है, कहाँ कहाँ गया, पात्र वगैरह हैं उनकी क्या पात्र वगैरह की हम लोग कहें चरित्र चित्रण किस प्रकार से है, उनके पात्र वगैरह की अगर हम लोग कहें को पॉजिटिव चीज क्या है, नेगेटिव चीज क्या है, ये सब चीज बातें आप पढ़ के आइए। उसके बाद एक अच्छी एक अगर हम लोग कहें एक सार्थक एक चर्चा होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। एक उपन्यास बहुत बेहतरीन उपन्यास है, इसलिए मेरे आग्रह है इस उपन्यास को जरूर पढ़ें, समय निकाल कर, कहीं ना कहीं कहीं नहीं मिलता तो मुझसे क्या है, मैं आपको PDF भेज दूंगा उसे पढ़ें। हाँ, तो इसके इतर अगर आप लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो तो आप लोग रखें। इसके इतर आप लोगों ने जो जैसा मैंने पहले चर्चा किया इस ऑनलाइन कक्षा से संबंधित, तो उसके इतर भी किन्हीं की कोई बात अगर कहनी रह गई हो छूट गई हो तो वह भी कहें। और आज का अभी जो मैंने बात की, जो व्याख्यान दिया, जो एक रूपरेखा बनाई गबन उपन्यास को लेकर के, तो उस पर भी अपने जो कुछ भी प्रश्न हो द्वंद हो अपने माइक पर अनम्यूट करके कह सकते हैं, लिख करके कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैसेज वगैरह हैं जो मैं कक्षा के दौरान मैंने खोल के नहीं देखा हूँ, मैं एक सेकंड देख ले रहा हूँ, तब तक तो आप अपने प्रश्न वगैरह लिखते जाइए। अच्छा, आप लोगों ने लिखा है कि हमने पढ़ा है, चलिए जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। उपन्यास जी अपने प्रश्न रखिए, आप लोगों से अनुरोध है। अच्छा, कोई प्रश्न नहीं लगता है, सब कुछ हम लोगों के ऊपर से गया, कुछ समझ में नहीं आया। सर, मैं एक क्वेश्चन रखना चाहती हूँ। ये रामनाथ को नायक के रूप में क्यों प्रेमचंद ने इस उपन्यास में रखा है, क्योंकि उसका जितना भी कृतित्व हम देखते हैं उपन्यास में वो ज्यादा मतलब एक नेगेटिव की ओर जाता है। बट उसने ऐसा क्या काम किया कि यहाँ एक नायक के पक्ष में उसको रखा गया है? चलिए, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे संबंधित तो और कोई प्रश्न किन्हीं को हो तो वो अपने रखें, मैं एक साथ उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। रमानाथ से संबंधित है कोई और प्रश्न हो?
आपका प्रश्न बहुत 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 बेहतरीन प्रश्न है। इसका पीछे एक चीज है, जैसा मैंने अभी कहा ना कि जब हम प्रेमचंद की लेखनी को देखते हैं तो प्रेमचंद बहुत उस दौर में, जब वो सेवा सदन निकल करके आती है तो उस दौर में बहुत अच्छे एक लेखक के तौर पर उभरते हैं। और धीरे जब वो बंबई की तरफ, जैसा कहा जाता है महानगर की तरफ थोड़ा से जाते हैं, एक भटकाव उनके लेखनी में देखने को मिलता है। उसके जब ये वापिस आते हैं इस उपन्यास के माध्यम से, ऐसा बहुत सारे आलोचकों को जब आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं, अमृत राय ने एक किताब लिखी प्रेमचंद को, उसमें भी ये चीज देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि प्रेमचंद भवन उनका जो एक तरह से कॉम्बैक था, वापिस से कॉम्बैक था उनके लेखनी में। तो जब आप बात करते हैं ना यहाँ पे कि रमानाथ को क्यों इतना आया, क्योंकि उसमें बहुत सारे नेगेटिव पक्ष देखने को मिलते हैं, नेगेटिव पक्ष देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे किसे नायक रखा जाए? नेगेटिव पक्ष देखने को मिलता है, लेकिन उनके उस उपन्यास में खासियत आप देखिए, यथार्थ से उपन्यास आदर्श की हो जाती है। उसने इतने पाप किए, इतने पाप किए, पर बाद में वो परिवर्तन कैसा होता है जब वो देखता है कि उसकी स्थिति, उसके उसकी उसकी स्थिति जो है वो कैसी हो गई है, कि उसके किए हुए पाप का प्रायश्चित उसकी पत्नी कर रही है। वो पत्नी, जो पत्नी उदास हो जाती है जब उसे गहने चोरी हो जाते हैं, तो वो कर्ज करके उसके लिए गहने लाता है, सब कुछ है, पर वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता। ये अपनी पत्नी को, पत्नी के प्रति उसके हल्का फुल्का मन में कहीं ना कहीं एक, अगर मैं साधारण शब्द में कहूँ, आम आम भाषा में, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसके प्रति। तो वो उसके परिवर्तन का कारण बनती है। और एक जो तो उस दौर में या साहित्य में कहा जाता है ना, वो एक बहुत सारे मूवी में आप लोगों ने सुना होगा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो पटकथा इस तरह की है, कमबैक किया है। तो उस दौर में इस तरह की रचनाएं बहुत प्रसिद्ध होती थी, इस वजह से, मुझे लगता है इस वजह से उससे कहा गया। लेकिन मेरा जो मानना है, इसलिए नायक रखा गया क्योंकि वो यथार्थ से आदर्श थे, और आदर्श जो होता है वो नायक का मुख्य चरित्र का मुख्य गुण होता है, और वो एक आदर्श के रूप में परिवर्तित होता है। और उसका एक पति है, या मुख्य हम कहें पूरा का पूरा ताना बाना उसके लिए ढूंढता है, क्योंकि वहां पे गबन करता है, तभी ना वो कलकत्ता जाता है उसे ढूंढते, वो जालपा वहां पहुंचती है, वहां पे जो पूरी घटना घटती है। तो ताना बाना मतलब उसके थ्रू ये उपन्यास पूरी की पूरी घूमती है, केंद्र बिंदु में वो रहता है, इसलिए उसे नायक के तौर पर रखा गया। दूसरी चीज, वो यथार्थ से बाद में आदर्श हो जाता है, और आदर्श जो है वो हर नायक का एक मुख्य चरित्र होता है, तो इस वजह से मुझे लगता है उसे नायक रखा गया। जी, इसके इतर हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। जी, तो इसके इतर किन्हीं का आपको कोई प्रश्न? ग्लोरी जी, मेरी बात समझ में आई आपको? जी सर आई, थैंक जी यू सर। इसके इतर किन्हीं कोई और प्रश्न? सर चैट बॉक्स पे एक लिखा हुआ है सर। हेलो अमित जी, यस सर, सर चैट बॉक्स पे एक लिखा हुआ है, वो देख लीजिए, प्रीति सना मैम ने लिखा।
हेलो। हाँ अमित सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर, सेटम और मैंने नेटवर्क पूरा नील ही जीत लगा, फोन ऑफ ही ना ऑन कर ली। ओके 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 सर, हाँ चैट सर। बॉक्स में एक क्वेश्चन ला सर। प्रीति शर्मा मैम, शी इज नॉट अच्छा। हियर। हाँ प्रीति मैम, काइंडली अनम्यूट योर माइक एंड सवाल पूछिए मैम। हाँ, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर मैं क्वेश्चंस वगैरह दिख नहीं रहे, क्योंकि एक बार डिस्कनेक्ट होने से क्वेश्चंस वगैरह आते नहीं है। जी सर, मुझे पूछना था कि इस उपन्यास की मूल संवेदना क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चरित्रों का चित्रण बताया गया है, किस तरह से उनमें अलग अलग घटनाओं की वजह से परिवर्तन हुआ, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी मूल संवेदना किसे हम माने। मूल संवेदना मतलब, अगर आप जैसा यथार्थवादी हो गया या आदर्शवादी, इसके संदर्भ में आप कह रही हैं। जी सर, उसी बारे में। बहुत लोगों ने चर्चा की है, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ हाँ ठीक। हाँ सर, हाँ सर। तो बहुत सारे लेखकों ने बहुत अलग अलग चीजें बोली, कोई इससे आगे कोई एक कहता है कि नारी जीवन के एक गहन चिंतन को या विमर्श को रखा गया है। पर जो मैं जितना इसको लेकर समझता हूँ, तो मैं कहूंगा तो गबन प्रेमचंद के विशेष चिंता कुल विषय से संबंधित उपन्यास है। विशेष चिंता कुल, जो मेरी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, विशेष चिंता कुल विषय से संबंधित उपन्यास है, क्योंकि यह विषय है गहनों के प्रति पत्नी के लगाव का पति के जीवन पर प्रभाव। जो मुझे लगता है यहाँ पे गवर्नमेंट टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते, मतलब जो मूल्य हैं, जैसा शुरू में देखते हैं कि हम लोग जो पति पत्नी का संबंध हो, या एक कहें पुत्र और पिता का संबंध हो, या जब हम रतन की बात करते हैं, वो एक बेमेल विवाह का, तो गवर्नमेंट टूटते मूल्यों को अंधेरे में भटकते मध्य वर्ग का वास्तविक चित्रण किया गया है। तो इसलिए मैं इसे प्रेमचंद का कहूं तो चिंता कुल विषय से संबंधित उपन्यास के श्रेणी में मैं रखता हूँ। अलग शब्दों में इसे हम यह भी कह सकते हैं कि यह उपन्यास जीवन की असलियत की छानबीन अधिक गहराई से करता है, भ्रम को तोड़ता है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द मैं इसे रखता हूँ, इस उपन्यास को, कि यह विशेष चिंता कुल विषय से संबंधित उपन्यास है। यहाँ टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते मध्य वर्ग के वास्तविक चित्रण को दर्शाया गया है। साथ ही इस उपन्यास के अगर मूल्यता मूल जीवन की बात करें, यहाँ असलियत की छानबीन अधिक गहराई से करता हुआ उपन्यास दिखता है, जो भ्रम को तोड़ता। समझ में आया प्रीति जी? नहीं समझ में आया तो एक लाइन में कह देता हूं, या यथार्थ से आदर्श की ओर परिवर्तित उपन्यास है। जी सर, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके इतर किन्हीं को कोई प्रश्न? क्षमा कीजिएगा, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से मैं थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हो गया था। हाँ अमित जी, आओ प्रश्न क्वेश्चन सोचेंगे। नो सर, नो सर। ओके सर। तो विद्यार्थी, चूंकि समय भी हो रहा है, 5 बजे का समय था, 5:30 होने को, आप लोगों ने इतना समय दिया, धैर्य से सुना, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। अगर कोई कुछ कहना चाहता हो, कोई विचार रखना चाहता हो कुछ, तो आमंत्रित हैं। अभी भी लगभग 6 लोग मुझे सुन रहे हैं। ज्योति जी हो गए, संतरा कुमावत जी हो गए, कुनी मुंडा जी हो गए, तो अगर किन्हीं को कोई प्रश्न हो तो रखिए, अन्यथा हम इसके समापन की ओर ले जाएं इस कक्षा को। जी, किन्हीं को कोई प्रश्न नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने समय दिया, मुझे सुना, और इसी तरह मेरी निवेदन रहेगी आप लोग ऑनलाइन कक्षा में करें। अमित सर ने एक लिंक भेजा है लर्नर्स को शेयर करने के लिए अपना फीडबैक, कृपया करके उस लिंक को क्लिक करके फीडबैक भी भर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, ये कक्षा यही समाप्त होती है। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना, हमारे टेक्निकल सहयोगी अमित त्रिपाठी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय दिया।